दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट. सो 20 नवंबर 2020 के लिए जो हमने आपको कॉल्स दी थी यूट्यूब पे, वो थी हमारी एबीबी और गोदरेज प्रॉपर्टी. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमारा ट्रेड नहीं हो पाई, आगे चल के मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पाई. एबीबी हमारे बाय साइड के 3 प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, हम टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं. तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. एस्कॉर्ट्स और LNT हमने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था. वाई साइड का एक शॉर्ट सेलिंग साइड का पहले SL हिट हुआ, फिर उसके बाद 2 टारगेट प्राइस हमारे जो है इजीली अचीव हो गए थे. LNT में हमारा अगेन नो ट्रेड रहा. तो एस्कॉर्ट्स, LNT और गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या हुआ मैं एग्जैक्टली आपको समझा देता हूँ. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्कॉर्ट्स की. एस्कॉर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले ये गैप अप ओपन हुआ, इसने गैप अप ओपन के बाद गैप रिफिल किया और यहाँ पे आने के बाद इसने हमारा जो है शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल था वो ब्रेक करने के बाद ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, इसने अपना सेल हिट कर दिया. उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसने अपने 2 टारगेट प्राइस इजीली यहाँ पे आकर अचीव कर लिए थे. तो इसीलिए पहली बार में अगर सेल हिट होता है दूसरी बार आपको वो कॉल लेनी होती है. बाय साइड के टारगेट इसने यहाँ से बाय करना था और यहाँ पे इसने हमारे इजीली अचीव कर लिए थे. तो ये था इसका एस्कॉर्ट्स का. बाकी मैं बात करूँ LNT की तो देखिए, इसने गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप अप ये ओपन हुआ. यहाँ पे ये क्लोज हुआ था लगभग और यहाँ पे ये ओपन हुआ तो इसके बीच का प्राइस था और इसने जो है अपना गैप रिफिल नहीं कर पाया. ये रिफ़िल किया इसने 10:30 के बाद. तो 10 बजे के अंदर अंदर अगर गैप रिफिल करता है तो हम ट्रेड लेते हैं, वरना हम ट्रेड नहीं लेते. जैसे कि आप एस्कॉर्ट्स में देख पा रहे होंगे, इसने अपना गैप जो था यहाँ था ये रिफ़िल कर लिया था 10 AM के अंदर अंदर. LNT में हमारा नहीं हो पाया तो नो ट्रेड रहा. वहीं सेम टू सेम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में रहा, ये हमारा जो ट्रेड था वो नहीं हो पाया क्योंकि इसने भी अपना गैप रिफिल नहीं कर पाया था. और हालांकि ये फ्लैट मार्केट पे ही चला पूरा डे एंड तक, बट इसने अपना गैप रिफिल नहीं कर पाया. अब गैप अप जैसे यहाँ पे मान लीजिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये मान लीजिए हमने अपनी बाइंग प्राइस रखी है और ये हमने सपोज कीजिए हमने दोनों ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है हमारी बाइंग प्राइस और ये हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस. तो अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो गैप अप ओपन के बाद वो नीचे आएगा, इन दोनों के बीच में 1 मिनट का होल्ड लेगा, फिर दोबारा से जब ऊपर जाएगा तब आप उसे बाय करेंगे. 1 मिनट का होल्ड लेना बहुत ज़रूरी है. और ये जो काम है ये 10 बजे के अंदर अंदर यानी कि 10 AM के अंदर अंदर जो है गैप रिफिल हो जाना चाहिए. लेवल ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है बट गैप रिफिल जो है आपका 10 AM के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि ये गैप अप ओपन के बाद डाउन आ जाना चाहिए. और गैप डाउन ओपन होने के बाद यही सेम टू सेम होगा, बस उल्टा हो जाएगा. ये नीचे से ऊपर आएगा, होल्ड लेगा, फिर दोबारा नीचे जाएगा. तो गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है. बाकी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, हर तरीके की कॉल्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. 23 नवंबर 2020 के लिए जो हमारे स्टॉक्स है, पहला है बाला माइन, जिसे आप बाय करके चलेंगे 1000 का. जब लेवल ब्रेकआउट होगा एग्जैक्ट 1000 पे बाय नहीं करेंगे, 1000.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे. 990 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. टारगेट रहेगा 1005, 1012 और 1024 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 988. एग्जैक्ट 988 पे सेल नहीं करेंगे, 987.90 पे सेल करेंगे. एग्जैक्ट इस लेवल पे आपको सेल नहीं करना है. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 998 का. टारगेट रहेगा 983, 975 और 965 का. बाटा इंडिया आप बाय करके चलेंगे 1485 पे. ध्यान रखिएगा मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पे कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में. मैं हर तरीके के बिलो 500, इन द रेंज ऑफ 500, अबव देन 500 की कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है. तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बाकी की डिटेल हम वहाँ शेयर कर लेंगे. तो आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 1485 का. स्टॉप लॉस रहेगा 1474 का. अब स्टॉप लॉस कैसे आपका हिट होगा, 1474 से जब नीचे आने लगेगी वैल्यू यानी कि 1473.90 तब आप नए सेल हिट मान के रेट से बाहर आएंगे. टारगेट रहेगा 1490, 15 मतलब 1500 और 1510 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 1470 की. एज यूजुअल इसमें भी लेवल ब्रेकआउट होगा. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1481 का. अब 1481.10 जाएगा तब आप नए सेल हिट मानेंगे, यानी कि 1481 से ऊपर जाने लगेगी जब वैल्यू इस स्टॉक की तब आप नए सेल हिट मानेंगे बाटा इंडिया में. टारगेट रहेगा आपका 1465, 1455 और 1445 का. ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर ट्रेड में आप एक बार एंटर हो चुके हैं तो या तो आप टारगेट पे बाहर निकलिए या तो स्टॉप लॉस पे. पहले टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल देता हूं ताकि अगर फ्लैट मार्केट हो या फिर एट द एंड ऑफ मार्केट जबकि मार्केट में पूरी जान खत्म हो चुकी हो तब अगर आपका लेवल ब्रेकआउट हो तो भी आपका पहला कुछ प्रॉफिट आपको मिले, इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रखता हूँ.
तो बाकी जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो पहले टारगेट प्राइस में ही ट्रेड से बाहर आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप होल्ड करें क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस ट्रेडर जो भी हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बट उनको करना क्या होगा कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करना होगा, 1474 से 1490 पे अपना स्टॉप लॉस लाना होगा, उसके बाद ही आप होल्ड कर सकते हैं, वरना आप होल्ड मत कीजिए, ट्रेड से बाहर आ जाइए। तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, प्लस आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लीजिए, हर तरीके के लेवल्स प्रोवाइड करते हैं हम। तो बाकी अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा।